जय श्री कृष्ण, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे देवी के चरित्रों के पाठ का महत्तम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटव के नाश, महिषासुर के वध और सुम्न तथा निसुम्न के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी, उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह होगा, उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महत्तम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महत्तम महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीन प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्त्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करें, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महत्तम सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्तम व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महत्तम परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महत्तम मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न में इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्तम श्रवण करने पर पापों को हल लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का वह नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावा नल से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं सुम्ब व निसुम्ब के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अम्बिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है
और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्योदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में सुबुद्धि प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो देवी दुर्गा माता की जय।